हेलो हाय एंड वेलकम टू योर चैनल सैम स्टडी। आज हम इस वीडियो में भारत के नेबरिंग कंट्री श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम हर एक डिटेल फंड्स अवार्ड श्रीलंका के बारे में इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा पुराना वीडियो जो कि साइक्लोन निवार के ऊपर नहीं देखा है तो उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पर दे दी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका इज फॉर्मरली नोन एज सेलोन। तो श्रीलंका का पुराना नाम सेलोन था। श्रीलंका इज ए आइसलैंड कंट्री ऑफ साउथ एशिया। ये एक दक्षिण एशिया का एक द्वीपीय देश है। कौन? श्रीलंका। इंडिपेंडेंस इन 4 फरवरी 1948। तो ये इंडिपेंडेंस पाया था 4 फरवरी 1948 को। श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज है सिन्हाला, जो कि 74% लोग सिन्हाला से बात करते हैं, यानी कि इनका ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि सिन्हाला है, और तमिल 11% लोग कहते हैं। तो इसका जो श्रीलंका का ऑफिशियल रिलीजन है वो बुद्धिज्म है। तो लगभग 70% लोग बुद्धिज्म ग्रहण कर चुके हैं। तो इन सारे जो डाटा है ये 2012 के हैं। तो 2012 के तहत सिन्हाला इसका ऑफिशियल लैंग्वेज और बुद्धिज्म इनके ऑफिशियल रिलीजन है। इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। और ये इंडिपेंडेंस पाया था 4 फरवरी 1948 को। चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका एक जो द्वीपीय देश है जिसके प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे जी हैं, जिनको आप इस इमेज पर देख सकते हैं। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट यानी कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे हैं, जिनको आप इस इमेज पर देख सकते हैं। और श्रीलंका के जो मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ श्रीलंका इज जयंत जयसूर्या, जिनको आप इस इमेज पर देख सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे, प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षे और चीफ जस्टिस ऑफ श्रीलंका इज जयंत जयसूर्या। और एक पॉइंट आपको याद रखना है कि श्रीलंका का जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है वो कोलंबो है, और जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो श्री जयवर्धनपुर कोटा है। तो इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। लेजिस्लेटिव कैपिटल श्री जयवर्धन कोटा और एग्जीक्यूटिव कैपिटल जो कि कोलंबो है। तो इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं श्रीलंका के इतिहास के बारे में। तो श्रीलंका को फाउंड किया था लॉरेंको डी अल्मेदा ने, जिनको आप इस इमेज पर देख सकते हैं। तो 1505 में लॉरेंको डी अल्मेदा के द्वारा श्रीलंका का जो खोज किया गया था उस समय, यानी कि सबसे पहले पुर्तगीज ने रूल किया था श्रीलंका के ऊपर, उसके बाद डच ने रूल किया, और उसके बाद यानी कि 1815 को स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश रूल, जो कि 133 साल तक श्रीलंका के ऊपर रूल करते रहे। यानी कि 1815 से लेकर 1948 तक श्रीलंका में ब्रिटिश रूल चला। उसके बाद यानी कि 4 फरवरी 1948 को इन्होंने इंडिपेंडेंस पाया। किन से? ब्रिटिश से। तो 133 साल तक ब्रिटिश ने रूल किया था कहाँ पर? श्रीलंका के ऊपर। चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट श्रीलंका के बारे में। इट्स HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको हम मानव विकास सूची कहते हैं। तो इस इंडेक्स के तहत इसका पर कैपिटा इनकम इज हाईएस्ट इन साउथ एशियन रीजन, यानी कि इसका जो पर कैपिटा इनकम है दक्षिणी एशियाई रीजन में सबसे ज़्यादा है। किसका? श्रीलंका का। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ऑफिशियल रिलीजन ऑफ श्रीलंका इज बुद्धिज्म, जिसको हम पहले स्लाइड पर बता चुके हैं। तो इसका जो ऑफिशियल रिलीजन है वो बुद्धिज्म है, जो कि 70% लोगों के द्वारा ग्रहण किया गया है। द हाइस्ट पॉइंट इज पिदुर अलगला, सॉरी एक भूल हुआ है, पिदुर तलगला इसका हाइस्ट पॉइंट है। किसका? श्रीलंका का। तो ये पूछ सकता है कि श्रीलंका का जो हाइस्ट पॉइंट है वो क्या है? पिदुर तलगला, जो कि आने वाले स्लाइड में हम देखेंगे। तो इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। तो HDI इंडेक्स में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम श्रीलंका का है। किस रीजन में? साउथ एशियन रीजन में।
चले बात करते हैं लोकेशन ऑफ श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका इज प्रेजेंट इन इंडियन प्लेट। तो श्रीलंका जो कि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट में स्थित है, गल्फ ऑफ मन्नार एंड पल्क स्ट्रेट सेपरेट्स द श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। तो भारत से श्रीलंका को सेपरेट करने वाला जो स्ट्रेट है वो है पल्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार, जो कि आप इस इमेज पर देख सकते हैं। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछता है। तो गल्फ ऑफ मन्नार और पल्क स्ट्रेट जो कि भारत को सेपरेट करते हैं श्रीलंका से, तो इन पॉइंट को आपको याद रखना है। और ये भी पूछता है कि श्रीलंका कहाँ पर स्थित है। श्रीलंका जो कि इंडियन प्लेट में स्थित तो है, वो इंडियन ओशन में स्थित है, जो कि बे ऑफ बंगाल से साउथ वेस्ट में है और अरबियन सी से साउथ ईस्ट में स्थित है। इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं पिदुरु तलगला के बारे में। पिदुरु तलगला इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका का सबसे ऊंचा स्थान पिदुरु तलगला है, जिसका ऊंचाई मुख्य सी लेवल यानी कि मुख्य समुद्र लेवल से 2526 मीटर है, यानी कि 8281 फीट ऊंचा है अबव द सी लेवल। तो पिदुरु तलगला इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ श्रीलंका। चलिए बात करते हैं वेलिपट्टू के बारे में। तो दिस इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वेलिपट्टू, जिसको आपको याद रखना है। और श्रीलंका में नेशनल पार्क 22 हैं, टोटल 22 जो कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 62 हैं। इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना है, 62 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 22 नेशनल पार्क है कहाँ पर, श्रीलंका में। चलिए बात करते हैं श्रीलंका के नदियों के बारे में। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ श्रीलंका इज महावेली रिवर, सबसे लंबी नदी महावेली है। और सबसे ऊंचा फॉल यानी कि सबसे ऊंचा वाटरफॉल बांबरकंडा फॉल है, जिसकी ऊंचाई 263 मीटर है। और श्रीलंका में टोटल 51 नेचुरल वाटरफॉल है। इन सारे पॉइंट का आपको याद रखना है। बांबरकंडा इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ श्रीलंका। देखिए इस वीडियो में जो हाथी है वो श्रीलंका का नेशनल एनिमल है। देखिए द ब्यूटी ऑफ श्रीलंका इस वीडियो में और फील कीजिए इस श्रीलंका के ब्यूटी को। और एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो श्रीलंका का नेशनल फ्रूट है वो जैक फ्रूट है। इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबाएं। इसके कारण हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।